हेलो स्टूडेंट्स सो हाउ आर यू ऑल होपफुली यू ऑल आर डूइंग रेट्स सो एज यू नो दैट ड्यू टू कोविड द सिचुएशन इज गेटिंग क्रिटिकल डे बाई डे सो गाइज हो सकता है इन फ्यूचर हमें क्लासेस काफ़ी लंबे टाइम तक तो कैसे चलानी पड़े तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट बोल सकते हैं है कि आप लोग प्रॉपरली क्लासेस को अटेंड करिए जो भी आपको काम दिया जाता है उसको प्रॉपरली नोट करिए उसको समझिए ठीक है सो so, आज मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दूंगी आपके बायो की बुक के बारे में ठीक है सो लेट अस स्टार्ट ये रही आपकी कंपेनियन की दिनेश कंपेनियन की बुक है मेरे पास बायो की काफ़ी अच्छी बुक है सो so, आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं सो so, ये रहा आपका इंट्रोडक्शन में देखो आपका जो सिलेबस है बायो का उसमें फाइव यूनिट्स हैं ठीक है प्लस वन को कंटिन्यू करते हुए सिक्स यूनिट से स्टार्ट किया जाता है आपका प्लस टू का सिलेबस तो फर्स्ट यूनिट इसमें मतलब आ रही है रिपोडक्शन फिर आती है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि सबसे ज़्यादा नंबर की है और इसमें नॉलेज भी बहुत ज़्यादा है ठीक है नेक्स्ट आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन देन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट तो ये फाइव यूनिट्स हैं जिनको तीन तीन या तीन चार चैप्टर्स हर एक यूनिट में हमारे पास तो फर्स्ट जो यूनिट है वो आपकी है रिप्रोडक्शन के ऊपर तो रिप्रोडक्शन वट इज़ रिप्रोडक्शन वट आर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओके देन हाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन करते हैं फोर्थ चैप्टर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं फिर आती है आपकी यूनिट नंबर सेकेंड ओवरऑल ठीक है सेवन्थ जेनेटिक एंड एवोल्यूशन इसमें जीन जेनेटिक्स क्या होती है ठीक है मेंडल जो काफ़ी वर्क किया हुआ है उसने जेनेटिक्स के ऊपर तो उसके बारे में उसके लॉज हैं दो तीन उनके बारे में इसके अलावा आपका इसमें चलेगा डी क्या होता है जेनेटिक मटीरियल जो कि हमारा है ठीक है आर के बारे में डी जो एप्लीकेशन होती है वो कैसे होती है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ठीक है जेनेटिक कोड वगैरह तो ये सारा कुछ फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है देन आता है आपका एवोल्यूशन तो एवोल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में कौन कौन सी थीरीज हैं हमारे पास ठीक है उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तो बायोलॉजी का ह्यूमन वेलफेयर में क्या रोल है कहाँ कहाँ उसका यूज़ होता है उसमें फर्स्ट चैप्टर जो बेस्ड है वो है ह्यूमन हेल्थ के बारे में और उसमें जो डिजीज़ होती है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के कारण उनके बारे में डिटेल में ठीक है फिर है फूड को कैसे हम बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके एनहांस कर सकते हैं उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ठीक है उनके बारे में डिटेल में फिर आती है नेक्स्ट यूनिट दैट इज़ बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है तो ये आ आएगी आपकी नेक्स्ट फिर आती है आपकी लास्ट यूनिट दैट इज़ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट तो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं पॉपुलेशन क्या होती है उनके बीच में इंट्रैक्शन कैसे होती है ठीक है वट इज़ इकोसिस्टम तो इकोसिस्टम क्या होता है उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं देन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ठीक है और कैसे हम एनिमल प्लांट्स और और चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं लास्ट में एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या होते हैं ठीक है थीके? उनके ऊपर तो हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट दैट इज़ रिप्रोडक्शन से फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे तो ये थी इंट्रोडक्शन जैसा मैंने आपको पहले बोला क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करिए सारे सब्जेक्ट्स की ठीक है तो जितना आपको बुलाता है वो कम से कम काम पूरा किया करिए सो थैंक यू